भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के उन्नीस नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसी के साथ भारत में कोविड 19 संक्रमण के कुल मामले पाँच लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अट्ठारह हो गए हैं और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या सोलह हजार चार सौ पचहत्तर हो गई है राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पाँच हजार चार सौ तिरानवे नए मामले सामने आए हैं वहीं दिल्ली में संक्रमण के दो हज़ार आठ सौ नवासी नए मामले सामने आए हैं इसके बाद तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में तीन हजार नौ सौ चालीस नए मामले सामने आए हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से अट्ठावन दशमलव सड़सठ यानी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ तेईस लोग ठीक हो चुके हैं या डिस्चार्ज कर दिए गए हैं वहीं देश में इस वक्त दो लाख दस हजार एक सौ बीस एक्टिव केस हैं वहीं कुल सोलह हजार चार सौ पचहत्तर यानी तीन दशमलव शून्य एक प्रतिशत मौतें हुई हैं अगर पूरी दुनिया के कुल मामलों की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से पार हो गई है और इससे संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या पांच लाख के पार चली गई है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक संक्रमितों की कुल संख्या एक करोड़ सत्तर हजार तीन सौ उनतालीस है वहीं दुनिया भर में मरने वालों की संख्या पाँच लाख तीन सौ है सबसे ज्यादा एक लाख पच्चीस हजार सात सौ तिरसठ लोगों की मौत अमेरिका में हुई है इसके बाद ब्राजील में सत्तावन हजार सत्तर लोगों की और ब्रिटेन में कुल तैंतालीस हजार छः सौ चौंतीस लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है आशंका है कि अलग अलग परिभाषाओं टेस्टिंग रेट देरी और संदिग्ध अंडर रिपोर्टिंग की वजह से संक्रमितों और मरने वालों की असली संख्या बताए जा रहे आंकड़ों से भी ज्यादा हो सकती है